ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टडी करेंगे, पहला माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ को पास करके दिखाता है। सिंपल, माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिंपल एक लेंस है। ये वही लेंस है जो आप वो देखते हैं, वो जो मार्केट में मिलता है गोल्स, और तो देखते हैं कोई हाथ भी देख सकता है, बता सकता है डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे, पंडित जी बता देते हैं। ये वही है, ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। बट मेरी मानना, उनसे मत पूछना बनेंगे नहीं बनेंगे, PYQ कर लें 100% बनेंगे, ठीक, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और कोई इलाज भी मत करना, यही इलाज है PYQ, ठीक। तो ये एक लेंस है जिसके साथ आप चीज़ों को देखते हैं बड़ा करके। और लेंस रखते भी कैसे हैं, मतलब आपने देखा होगा कई लोग वो पुराने ज़माने में तो लेंस तो कैसा होता था, अब तो ये रखते हैं, वो गले में टांग लेते थे, यहाँ एक जो है यहाँ आँख में लगा लेते थे और चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई करके देखते थे। तो अभी क्या वो आजकल आ नहीं रहा, पर वो आँख पे लग जाता है, स्पेशली जो ज्वेलर्स हैं उनके पास तो होता ही है, कभी कभी उसमें वो आँख पे लगता है तो बहुत क्लियरली वो चीज़ देख पाते हैं चीज़ को। तो कुछ नहीं, एक सिंपल लेंस है। तो ये आपके पास के सिंपल लेंस है, बड़ा करके दिखाना है, वर्चुअल इमेज बन जाएगी ऑन द सेम साइड, तभी वो उल्टी तो दिखती नहीं सीधी दिखती है, तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। कैसे, ये ऑब्जर्वर है, आपने इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाना है, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी रखना है, क्योंकि इमेज क्या बननी है, वर्चुअल, और वर्चुअल बनने के लिए ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में ही होगा। तो ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, एक रे सीधा फोकस में से एक सेंटर में से मिला के वर्चुअल इमेज बन गई और मैग्नीफाई होके बनी, ये इसका डायग्राम बनेगा। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो इमेज बनी फाइनाइट डिस्टेंस पे बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी। अब लीस्ट डिस्टेंस क्यों, हमने लास्ट टाइम आई का कॉन्सेप्ट किया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो जो नॉर्मल आई है वो कैसे देखती है। नॉर्मल आई किसी भी चीज़ को जब देखना चाहती है, देखो छोटी चीज़ नॉर्मल आई को तो दिखने वाली है नहीं, मैग्नीफाई होके देखना पड़ेगा। मैग्नीफाई होके मैं क्या चाहूँगा, एक नॉर्मल आई क्या, देखो ये जो लेंस है ये एनक की तरह काम कर रहा है, बहुत सिंपल है। सोचो ये लेंस है, ये लेंस लगा रखा है, अब ये लेंस क्या कर रहा है, एक छोटी इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन कहाँ रखे, अगर ये गलत पोजीशन पे रख देगा तो रेटिना पे सही इमेज बनेगी नहीं इसके। तो इसको कहाँ रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए बना के, ताकि नॉर्मल आई को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो रेटिना के ऊपर एकदम इमेज को सही बना दे। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इमेज का, कहाँ पर बना रहे हैं, डी। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार डी जो है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, हम डी को क्या लेके चलते हैं, 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, इसको डी बोलते हैं, डी डिस्टेंस पे बन रही है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर पेपर के अंदर बोर्ड में आएगी, वो कहेगा ड्रॉ दी रे डायग्राम 3 नंबर में ऑफ अ माइक्रोस्कोप, आप डायग्राम बना के आ जाएंगे, फिर कहेंगे नंबर कट गए। डायग्राम के साथ मैग्नीफाइंग पावर अगर 3 नंबर में पूछा गया है, लिख के ही आनी है, ऐसे नहीं आना। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो है ये इमेज है, इमेज ने इसके सेंटर पे एंगल क्या बनाया, बीटा। इमेज का एंगल होता है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल होता है अल्फा। तो ये आपकी इमेज है, इमेज ने क्या एंगल बनाया, बीटा। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने भी क्या एंगल बनाया, एक तरीके से बीटा। अब ये क्या बात बनी, बीटा बाय बीटा, तो फिर तो बनी हो जाएगी मैग्नीफिकेशन, तो बन तो होती नहीं है। एक्चुअल में हम कंपैरिजन गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेरी इमेज है तो ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा जाए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा कि इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट के एंगल में कितना बड़ा छोटा का डिफरेंस है। तो इमेज का एंगल अगर बीटा है तो ऑब्जेक्ट का ये साइज को यहाँ काट लो, यहाँ कटिंग कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, इसके नीचे रखो, तो इसने कितना एंगल बनाया, एल्फा। तो ऑब्जेक्ट का एंगल एल्फा, इमेज का एंगल बीटा। अब आप मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है बीटा बाय अल्फा, और अगर एंगल छोटे हैं तो बीटा और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा बाय टैन अल्फा। टैन बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, टैन बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, टैन बीटा की दिस साइड बाय दिस साइड टैन बीटा, और टैन अल्फा क्या आने वाला है, दिस साइड बाय दिस साइड टैन अल्फा। तो टैन बीटा में बड़ी साइड बाय बड़ा बेस, टैन अल्फा में ये साइड बाय बड़ा बेस। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो आप इस ट्राइंगल में टैन बीटा ले लेंगे, लिखा हुआ है टैन अल्फा लेंगे,
टेन अल्फा जब लेंगे तो यहाँ पे आप चेक करना, ऐसे लिखा हुआ आपके असाइनमेंट में, जो टेन ऑफ बीटा है, टेन ऑफ बीटा वो लिखा हुआ है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी, टेन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है ए डैश क्यू डिवाइडेड बाय ए डैश सी, पर ए डैश क्यू और ए भी एक बराबर है तो इसकी जगह ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश सी। तो आप चेक कर सकते हैं ये टेन बीटा है, ये टेन अल्फा है, टेन बीटा बाय टेन अल्फा मैग्नीफाइंग पावर है एम। तो यहाँ से काम करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, टेन बीटा बाय टेन अल्फा ये डिवाइड कर लिया, या टेन बीटा टेन अल्फा को यहाँ पे पुट कर लिया, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसल, और आपके पास सिर्फ ये बचेगा ए डैश सी बाई ए सी। अब ए डैश सी की वैल्यू क्या है, ए डैश सी की वैल्यू क्या है यू, ए डैश सी की वैल्यू क्या है डी या वी या माइनस वी, क्योंकि ए डैश सी का मतलब है इमेज और सी ए का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है यू, इमेज की दूरी कितनी है वी, वी क्या है यहाँ पर डी। तो ये देखो इमेज की दूरी कितनी है माइनस वी, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है माइनस यू, मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई वी बाई यू। आप हो गए ये तो एक मिनट का वैसे ही मुझे पता था वी बाई यू क्या होती है मैग्नीफिकेशन, पर ऐसे करना है आपको मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर के तरीके से निकालनी है, एंगल्स की फॉर्म में निकालनी है वी बाई यू। अब लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कॉन्टिन्यूशन में सारा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू क्या है वन बाई एफ, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू वन बाई एफ, वी से मल्टीप्लाई कर दो, वी बाई यू क्या है एम, एम की ये वैल्यू आ गई। आपका इस क्वेश्चन में जो इमेज बन रही है वो डी पे बन रही है, न्यूमेरिकल में गिवन होगा 25 सेंटीमीटर, तो आप न्यूमेरिकल में क्या पुट करेंगे वी को माइनस 25 सेंटीमीटर, तो जब आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा, पर क्योंकि आपने यहां पर वी को माइनस 25 पुट कर लिया, ऑलरेडी माइनस साइन पुट कर लिया, तो जब न्यूमेरिकल आएगा यहां मत पुट करना, यहां पर डी को सीधा 25 पुट कर देना। तो न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डी का मतलब, अब किसी का नियर पॉइंट 25 है, किसी का 26 है, जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा वो एज इट इज पुट कर लेना है। तो पहला हाईलाइट करो फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हाईलाइट करो, ठीक है। और कब, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? अब इसके अंदर ये पहला केस है, अगर ये केस ना आया, अगर ये केस ना आया तो इस शीट को ओपन करो, शीट नंबर 48, शीट नंबर 48 आपकी बुकलेट में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, फिर से सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करो, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। पहले इमेज कहां पर बनी थी, लीस्ट डिस्टेंस पे, अब इमेज कहां पर बनानी है इन्फिनिटी पे। शुरू कैसे करना है, ये आपका फिर से एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये ऑब्जर्वर है। अब देखो क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, आपने ऑब्जेक्ट को इस लेंस की फोकल लेंथ पे रखना है, आपने ऑब्जेक्ट को इस लेंस की फोकल लेंथ पे रखना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तो इमेज कहां पर बनेगी एट इन्फिनिटी। तो ये रे सीधी जाके यहां पे आएगी और इमेज कहां पर बनेगी एट इन्फिनिटी। क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है, तो इमेज जो है वो कहां पर बनानी है आपने इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट आप पर आपने कहां रखा एफ पे। अब ये डायग्राम तो है क्लियर, प्रॉब्लम क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन बीटा बाय टेन अल्फा, बीटा का मतलब क्या होता है इमेज का एंगल, अल्फा का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट का एंगल। अब एक चीज मुझे बताओ, जो इमेज है वो कहां पर बन रही है एट इन्फिनिटी, तो इमेज का एंगल मैंने कितना बनाया बीटा, तो टेन बीटा तो बहुत आसान है निकालने के लिए, टेन बीटा की वैल्यू कितनी है एच डिवाइडेड बाय एफ, टेन बीटा इज एच बाय एफ। अब प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट का एंगल क्या हो, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है जी ऑब्जेक्ट का एंगल भी यही ले लो, कैसे ले लो यार, इमेज तो तुम्हारी बहुत दूर बनी है, ऑब्जेक्ट तुम यहाँ ले रहे हो, तो एंगुलर तो एंगल्स मैच ही नहीं करेंगे, एंगल तब मैच करते हैं जब इसके नीचे ही ऑब्जेक्ट होगा और वो भी एंगल बनाएगा। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो डी डिस्टेंस पे है, कुछ भी डी डिस्टेंस पे है, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, और ऑब्जेक्ट को कहाँ देखना चाहता हूँ, जब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, अपने नियर पॉइंट पर रखा, डी पर रखा,
तो मैंने डी डिस्टेंस पे रख दिया। तो अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को मान लो डी डिस्टेंस पे रखा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है एच है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल बनने वाला है मेरी आई के ऊपर टेन अल्फा, वो क्या बनेगा एच बाई डी बनेगा, एच बाई डी बनेगा। मतलब आप इसके साथ कंपेयर ना करें, आप बस ऐसे इमेजिन करें एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कुछ भी नहीं करना। आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, कोई इसमें लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट रखो, लेंस को हटा दो। लेंस को कहाँ रखा आपने, डी पे रखा, जहाँ आप नॉर्मल एक नॉर्मल आई देखना चाहती है, एक नॉर्मल आई डी डिस्टेंस में नियर पॉइंट है वहाँ पे रखेगी, तो वो एंगल कहाँ पर बना अल्फा बनाया उसने, तो ये आपने अलग से सॉल्व किया। तो क्योंकि यहाँ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ तो इन्फिनिटी पे तो रखा नहीं जा सकता, तो मैं कहाँ रखूँगा, अपने नियर पॉइंट पे रखूँगा। तो मैंने टेन बीटा यहाँ से निकाल दिया एच बाई एफ, टेन अल्फा निकाल दिया एच बाई डी, टेन बीटा टेन अल्फा को यहाँ पे पुट किया और मैंने लिख दिया एज्यूमिंग, एज्यूम किया मैंने कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा एट ली डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई एच बाई एफ अपॉन एच बाई डी, एच से एच कैंसिल होते हुए डी बाई एफ। तो ये दूसरा फॉर्मूला हाईलाइट करें कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज कहाँ पर बनती है एट इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या है वन सिर्फ डी बाई एफ। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिन जिन टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस पे वहाँ पर ना वन प्लस डी बाई एफ था, और जब इन्फिनिटी में बनती है तो वन प्लस हट जाता है, सिर्फ डी बाई एफ हो जाता है, वन प्लस हट सर के अंदर यही चलेगा। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा तो वन प्लस डी बाई एफ, और अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो सिर्फ डी बाई एफ। कई बार पेपर में ये लिखा होता है कि आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप ड्रॉ करें व्हेन इमेज जो है जब रिलैक्स्ड आई है, रिलैक्स्ड आई तब मानी जाती है ऑप्टिक्स में जब इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। तो याद रखना आपने ये डायग्राम बनाना है रिलैक्स्ड आई का, लिख लो इसके ऊपर दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलैक्स्ड आई, और लिख लो रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। रिलैक्स्ड आई वर्ड यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका टॉपिक है, ये है एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसके अंदर दो केस हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। दोनों की मैग्नीफाइंग पावर आपने लिख ली, क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, आपको लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल शीट दी थी हैंड रिटन, ये रही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, मैंने कहा था एक शीट में लगाना भूल गया आपके बुकलेट में, ये अलग से प्रिंट मिला हुआ है, इसको प्लीज़ ओपन करें, इनके पास नहीं है। के अंदर क्या गिवन है, हमने अभी क्या किया सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल, और मैंने इस शीट में हर जगह फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि आपको बार बार रेफर ना करना पड़े। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो एम का ये फॉर्मूला है, और बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो डी को क्या लेना है 25 सेंटीमीटर लेना है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या लेनी है डी डैश बाई एफ। अब डी डैश बाई एफ का मतलब है डिस्टेंस कहां पर ऑब्जेक्ट का फ्रॉम लेंस। तो आज हमने ये लिया भी था, देखो मैंने ये डिफरेंस डी डी क्यों नहीं लिखा, डी डैश क्यों लिख दिया, ध्यान से देखना जब मैंने ये डायग्राम बनाया था तो मैंने कहा था कि लेंस की जो फाइनल इमेज बनती है वो वहां बनती है जहां पर आंख देखना चाहती है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 पे। और जब मैंने ये वाला केस लिया था तो मैंने ऑब्जेक्ट को डी डैश डिस्टेंस पे ले लिया, अब वो 25 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इसमें डी का मतलब है इमेज का डिस्टेंस, इसमें डी डैश का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जबकि दोनों केस में अगर ये वैल्यू मिसिंग है तो आपने 25 सेंटीमीटर ही लेना है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर डी फाइनल इमेज पे बना था और इसके अंदर डी डैश का मतलब है ऑब्जेक्ट की दूरी थी, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा।
फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट. मैंने कहा था ना कि आई को पढ़ना बहुत जरूरी है, कि नियर पॉइंट फार पॉइंट की ये टर्म यूज करता रहेगा. तो इसके अंदर वो कह रहे हैं नॉर्मल नियर पॉइंट है 25, तो कैपिटल डी है इसमें 25. व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. उसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट इमेज कहाँ पर बनती है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनती है. तो उसने क्या बोला, एक नॉर्मल आई है इमेज को कहाँ बनाना पसंद करती है, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर पे. तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पुट करें, फोकल लेंथ आपको पता है, डी आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर 1+D/F, कोई साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी, इसमें ऑलरेडी पुट की हुई है, डी और एफ की वैल्यू को पुट करके 6 आ गया, तो आपका जो इमेज है वो 6 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें. जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है 5. फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो पहले केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, फिर से बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी. फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइटेड आई हूज नियर पॉइंट इज 40. वो कह रहे हैं आप दूसरे केस में बताओ क्या होगी, जिसके अंदर एक फार साइटेड आई है जिसका नियर पॉइंट कितना है 40. अब चलो पहली फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन में रिलैक्स्ड आई है, तो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई के केस में इमेज इन्फिनिटी पे है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या है, डी बाय एफ, 1+ नहीं लगाना, डी बाय एफ. मैग्नीफाइंग पावर गिवन है 5, कैपिटल डी बाय डिफॉल्ट कितना है 25, नॉर्मल बंदे का तो 25 ही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, एक नॉर्मल आई का नियर कैपिटल डी कितना होता है 25 होता है. लेकिन जो सेकंड केस है वो नॉर्मल आई नहीं है, वो फार साइटेड आई है, यानी कि खराब आई है जिसका नियर पॉइंट कितना है 40 है. तो पहले नॉर्मल आई की बात करते हैं जो खराब नहीं है, तो उसके लिए तो 25 पुट करेंगे, यहाँ से फोकल लेंथ आ गई 5. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ की वैल्यू 5 आ गई. अब केस नंबर 2 करते हैं. अब ये फार साइटेड की बात कर रहा है, फार साइटेड आई है, रिलैक्स्ड आई है, यानी कि इमेज दूसरे केस में भी कहां पर बनने वाली है, एट इन्फिनिटी. फार साइटेड आई में डी डैश को क्या पुट करना है 40, कह रहे नियर पॉइंट 40 है, तो किताब को कहां रखेगा वो 40 पे. फोकल लेंथ आपने ए पार्ट से निकाल ली, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ है, तो सॉल्व करके क्या आएगी 8 आएगी. फॉर्मूले दोनों में सेम यूज करने हैं, क्योंकि रिलैक्स्ड आई है, बस फर्क क्या है कि पहले में मैग्नीफाइंग पावर गिवन है और कैपिटल डी 25 है, दूसरे केस में कैपिटल डी को चेंज करके मैग्नीफाइंग पावर को चेंज हो गया. तो पॉइंट समझ में आता है कि क्या लॉजिक है इसका, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. इसको देखें, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 फ्रॉम द आई, नियर पॉइंट डी यानी कि कैपिटल डी 25 है, मतलब नॉर्मल आंख है ये, एंड लेंस इज प्लेस क्लोजर टू द आई, आंख के पास लेंस रख के बैठ गया, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या रखी लेंस से ये बताओ. तो मुझको क्या निकालना है, मेरे को तो यू निकालना है. अब मैं ये चाहता हूँ कि लेंस को मैंने यहाँ रख लिया और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ये मेरा क्वेश्चन है. अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मल आई है
तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो एक बात तो पक्की है कि 25 पे तो नहीं रखना, और मैं ये चाहता हूँ कि इमेज जो उस ऑब्जेक्ट की बने वो 25 पे बने, ताकि मेरी आई के रेटिना के ऊपर सही इमेज बने। तो मैंने वी को क्या लिया, -25 वर्चुअल इमेज है, और फोकल लेंथ मेरे को कन्वेक्स लेंस की गिवन है, तो यहाँ से मैंने यू निकाल लिया, यू को कहाँ रखा, -5। तो जब यू निकाल लें, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा दें, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैग्नीफाइंग पावर तो गिवन ही नहीं है। तो आपको इस लेंस को कैसे यूज़ करना है कि आप किताब को कहाँ रखें, कहाँ रखें, ताकि इमेज कहाँ पर बने, 25 पे, ताकि नॉर्मल आई बिल्कुल सही काम कर सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये न्यूमेरिकल माइक्रोस्कोप के है ही नहीं, ये तो चश्मे के न्यूमेरिकल है, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, ताकि इमेज को मतलब आँख को धोखा देना है कि इमेज 25 पे ही बने, तो यू क्या हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन साथ में पूछ लिया व्हाट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब क्योंकि वी इनफाइनाइट तो आया नहीं, वी जो है वो इन्फिनिटी तो आया नहीं, तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनी नहीं, तो वी कहाँ पर बन रहा है इस क्वेश्चन में, 25 बन रहा है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 1+DF, तो इन्फिनिटी वाला नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर डी पता है, एफ पता है, यहाँ से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और फाइंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो फिर एंगुलर मैग्नीफिकेशन अगर इन्फिनिटी पे है, तो अगर बिना इन्फिनिटी के 5 है, इन्फिनिटी में 1 हटा दो, तो 5 में से 1 गया, तो क्या आया, 4 आ जाएगा आंसर। तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका। नेक्स्ट, मैन विद नॉर्मल आई, नॉर्मल नियर पॉइंट है 25, रीड्स अ बुक विद अ स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 यूज किया जा रहा है, वॉट इज क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। तो यू बताओ, किताब को पास से पास कहाँ रखे, दूर से दूर कहाँ रखे, लेंस से पढ़नी है, ऐसे नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी होती है तो 25 पे रख ले, तो यू कहाँ रखे पास से पास, ताकि वो लेंस से जब पढ़े तो उस केस में इमेज कहाँ पर बने, उसके लीस्ट डिस्टेंस 25 पे बने, इमेज 25 पे बने। और दूसरा केस है कि इसके अंदर फार्देस्ट डिस्टेंस, दूर से दूर कहाँ रखे किताब, कि किताब जो है वो बिल्कुल क्लियर वो पढ़ सके। मतलब आपको एक बार मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किताब का, एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो एक बात तो इसके अंदर पक्की है कि अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस है और मुझे क्या निकालना है, मुझे यू निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है तो मतलब इसको यू निकालना है, मैं किताब कहाँ रखूँ, क्वेश्चन है मैं किताब कहाँ रखूँ, ताकि वी की वैल्यू कितनी आ जाए, -25, क्योंकि मेरी आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर पर पढ़ना पसंद करती है। अब इससे पास तो आँख ही खराब हो जाएगी ना, 25 से पास तो मना किया फिजिक्स वालों ने पढ़ने के लिए, वो तो हमने कभी किया ही नहीं, कभी मैंने बोला आप क्लास में कि भाई 10 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, कभी होता ही नहीं किसी का, आँख ही खराब हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस तो 25 ही है, तो मैं चाहता हूँ कि लेंस क्या करे, इमेज को कहाँ पर बनाए, 25 पे, ये मिनिमम है, इससे पास नहीं बन सकती। तो यहाँ से फोकल लेंथ पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, एक आंसर आ गया। लेकिन अब दूर से दूर कहाँ रखे, अब दूर से दूर तो बहुत दूर रख सकता है, बहुत दूर के केस में वी क्या होगा, फार्देस्ट में इन्फिनिटी, मतलब ऐसा नहीं इन्फिनिटी का होने की वहाँ बनती है, मतलब दूर अगर इमेज, अगर किताब यहाँ रख के भी पढ़ा जा रहा है तो फोकल लेंथ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फार्देस्ट डिस्टेंस में आपको वी क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, 25, मिनिमम 25 है, फार तो जितना मर्जी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहां से v को इन्फिनिटी पुट करके, f को 5 पुट करके u निकाल लेना, u कितना आएगा माइनस 5। तो कहने का मतलब कि नियरेस्ट में v को 25 पुट करना है माइनस 25, और फार्देस्ट में v को इन्फिनिटी पुट करना है, आपके दोनों आंसर आएंगे। ठीक है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।